लोडर पंचायत के रोपड़ी गांव में एक व्यक्ति के खाते से लगभग 70,000 रुपए पीएनबी खाते से ऑनलाइन किसी ने निकाल लिए। शमशेर सिंह का कहना है कि उसके मोबाइल पर दो मैसेज आए, जिसमें पहले मैसेज में 41,000 रुपए व दूसरे मैसेज में किसी ने 27,300 रुपए बैंक खाते से निकाल लिए। शमशेर सिंह का कहना है कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पैसे आखिर गए तो कहां गए। इसके पहले भी उनके खाते से अप्रैल महीने में भी 1,00,000 रुपए किसी ने निकाल लिए, जिसमें 50,000 रुपए वापस आ गए थे। और बाकी के 49,000 रुपए का कुछ पता नहीं चला। शमशेर सिंह के भतीजे का कहना है कि उनके चाचा के मोबाइल पर ना कोई मैसेज आया, ना किसी ने ओटीपी नंबर मांगा, आखिर पैसे गए तो कहां गए। वहीं इसके संदर्भ में उन्होंने पीएनबी बैंक के अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि बैंक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वहीं इसके संदर्भ में भोटा पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवा दिया गया है। सरकार द्वारा 25% बस किराया बढ़ोतरी करने के विरोध में जिला कांग्रेस हमीरपुर ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान विधायक राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया के अलावा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर जल्द किराया बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र झा ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा बस किराया बढ़ोतरी किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 2018 में भी किराया बढ़ाया है और अब दोबारा बढ़ाया गया है, तो इससे आम जनता पर भारी बोझ बढ़ रहा है, तो डीजल और पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द बढ़ाए हुए बस किराए को वापस ले और जल्द सरकार नहीं मानी तो चक्का जाम तक करने से गुरेज नहीं करेंगे। कोरोना संकट के दौरान फ्रंटलाइन में लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों के वेतन में कटौती किए जाने पर कांग्रेस ने निंदा जाहिर की है। प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टरों के एक दिन के वेतन को काटे जाने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार पर तंज कसा है। राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन सुबह, दोपहर और शाम को बदल जाती है, जिस पर सरकार की किरकिरी हो रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के वेतन को काटना तर्कसंगत नहीं है और इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि कोविड-19 के दौर में सरकार भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है और पहले आयुर्वेदिक विभाग में दवाइयों की खरीद फरोख्त का घोटाला हुआ है, तो बाद में पीपीई किटों का गोलमाल हुआ है, जिसके चलते पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ा है। राणा ने कहा कि आईजीएमसी में कोरोना टेस्टिंग किट खत्म होने की चर्चा की जा रही है, जिस पर सरकार के पूर्णतया फेल होने का पता चल रहा है। राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार कंफ्यूज्ड सरकार बनकर रह गई है। वहीं अनुबंध पर लगे हुए चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे पर नई नोटिफिकेशन पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी ऐतराज जताया है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार से हाल ही में प्राप्त पत्र में अनुबंध पर कार्य कर रहे डॉक्टरों के पे ग्रेड की नोटिफिकेशन वापस लेने को लेकर असमंजस बना हुआ है। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द इस वेतन विसंगति को दूर करें, अन्यथा संघ के पास संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा।